कुछ बेंच मार्क होगा, कोई स्टैंडर्ड होगा, उस स्टैंडर्ड बेस पे हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। होता क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स से 200, अगर एक बंदा 200 के 200 ले लेता है आप कहते हैं वाओ, ऐसे ही, यानी 200 में से अगर किसी बंदे ने 200 ले लिया तो हमारा जो एक पहली जबान से मुंह से बात निकल गई थी वाओ, यानी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कारकर्दगी अब चेक करनी है। किसी बंदे ने 100 ले लिए, किसी ने 120 ले लिए, जिसने 100 लिए आप कह देते हो सेटिस्फैक्ट्री है, ये जो कारकर्दगी क्या है सेटिस्फैक्ट्री। 120 वाले को आप कहते हो जी गुड, ठीक है। अच्छा, एक बंदे को आप कह देते हो वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने क्या लिया है 140, ठीक है। अच्छा, एक बंदे को आप कहते हो एक्सलेंट, हम क्या कहते हैं 160 ले लिया इसने, ठीक है। अब जो बंदा 180 नंबर ले रहा है हम उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। अब बेंचमार्क टोटल कितने थे, 200 में से जिसने 100 लिया आप कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री, जिसने 120 लिया आप कहते हैं गुड, वेरी गुड वाला बंदा कौन सा है 140 वाला। एक्सीलेंट क्या है और आउटस्टैंडिंग, ओके। नाउ यू हैव एन ऑप्शन, आप मॉनिटरिंग करने वालों में से हैं, ठीक है जी। आप भी खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाएं, आप चले आप रहे, आप खड़े हो जाएं, 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 आप खड़े हो जाएं। जो लोग खड़े हुए हैं अपनी अपनी रो पहचाने, जो लोग खड़े हुए हैं ये अपनी अपनी रो पहचाने। इन लोगों ने जो खड़े हुए लोग हैं अभी इन्होंने ग्रेडिंग करनी है, जो मैंने चिट सबको मिल गई थी, इस चीट के ऊपर ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग में बताऊंगा कैसे करनी। आप अपनी ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग करने के बाद उस पेज के दो हिस्से कर देंगे, उसको फोल्ड कर देंगे, नाम नहीं लिखेंगे, सिंपल ग्रेड करेंगे, ग्रेड करने के बाद फोल्ड करेंगे। आप जो लोग खड़े हैं ये अपनी पिछली रो को अपनी चिट पकड़ा देंगे, और इनकी जो पिछली रो वाला जिसको वो चिट मिलेगी वो चिट आगे शिफ्ट कर देगा, समझ आ रही है। लास्ट वाले भी आपस में इसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, यानी हर बंदा अपनी अपनी ग्रेडिंग करेगा अपने हिसाब से, और ग्रेडिंग करने के बाद वो अपनी चिट किसी और के हवाले कर देगा। ये जो खड़े हुए लोग पिछली रो को देंगे और पिछली रो आपस में चेंज कर लेगी इनके साथ, इस तरीके से जो लास्ट वन है वो आपस में यूं कर लें। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब ग्रेडिंग करनी कैसे, बैठे सारे लोग बैठ जाओ। ग्रेडिंग करनी ऐसे कि ग्रेडिंग आपके पास आ गई 200 नंबर की, क्या इवैल्यूएशन कर रहे हैं आप, और इवैल्यूएशन करनी है आपने इस प्रेजेंटेशन की जो मैंने आपको दी है, जो शुरू हुई 2:15 से 2:15 तक, 2 घंटे आप मेरे साथ रहे, 2 घंटे में मैंने डिलीवर करने की कोशिश की। इस डिलीवरी में आप मुझे कहाँ खड़ा देखते हैं, ये हैं, आप इसमें से जो मर्जी ग्रेड करें, दैट्स अप टू यू। वो ग्रेड दें, ग्रेड देने के बाद चिट फोल्ड करें, बंदे के साथ चेंज करें चिट, चलें गो। अब मुझे ये बताएं, चिट अपनी पकड़ें और ये देखिएगा कि जो किसी और ने ग्रेडिंग की और जो आपने की उसमें फर्क है या नहीं। जिसका फर्क है वो हाथ खड़ा करें, यानी आपके पास जो चिट है उसके ऊपर 2 डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं। ये जो आगे वाले पीछे वालों को देख लें जिनके हाथ खड़े हैं, आप जो हाथ खड़े खड़े रहे, ये पीछे देख लें कि कितने लोगों का डिफरेंस आ रहा है, ओके डाउन। वो लोग जिनने जो ग्रेडिंग की थी और उनकी चिट के बाद उनके पास जो चिट आई उनकी और वो ग्रेडिंग सेम है, किसी और की ग्रेडिंग और आपकी ग्रेडिंग सेम है, वो कितने लोग हैं देख लें, कितने लोग हैं आगे पीछे देखें आप लोग, कितने लोग हैं कि जो ग्रेडिंग सेम आ रही है। ज्यादा थैंक यू वेरी मच, डाउन, ये चिट फाड़ दें, जाया कर दें, इट डजंट मैटर, बट इट मैटर्स के इख्तलाफ पाया जाता है, एवेल्युएशन करने में इख्तलाफ पाया जाता है। क्या इस प्रेजेंटेशन के दौरानिए में अगर ये 80 लोग बैठे हुए हैं, मैंने किसी को खास करके पढ़ाया, किसी को स्पेशल करके पढ़ाया, मेरा रवैया कहीं जानिबदार हुआ, कहीं किसी को फील हुआ हो कि ये मेरा रिश्तेदार है या ये मेरा कजन है या इसके साथ मेरी कोई बरादरी का सिलसिला है या कोई ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं, मैंने सबको एक ही जैसे तरीके से ट्रीट किया। बट इवन देन जब एवेल्युएशन हुई हर बंदे का एक अपना नुक्ता नजर सामने आया। लिहाजा जब आप किसी भी पेपर को दे लेते हैं तो वो तो सॉलिड रिस्पांस देता है, लेकिन जब बात होती है इंटरव्यू की तो वहां पे क्या होता है,
इवेल्युएशन जब कोई इंटरव्यू वाला बंदा करता है इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन में हर बंदे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने वाले लोग डिफरेंट होते हैं. इंटरव्यू में टोटल नंबर कितने होते हैं? 200. इन 200 नंबरों के अंदर ग्रेडिंग इस तरीके से दी जाती है. अब कौन कहां खड़ा है दैट डिपेंड्स ऑन उसकी परफॉर्मेंस पे. आप में से कौन से लोग हैं जो फिल्में देखते हैं? ओके, कितने लोग हैं जो ड्रामे देखते हैं? ड्रामे दो तरह के होते हैं, एक टीवी पे लगते हैं, एक स्टेज पे. मैं टीवी वालों की बात कर रहा हूं. ओके, ये जो एक्टिंग है इसकी जरूरत आपको क्यों है, या आपको ये समझाना क्यों मकसूद है? हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब छोटे बड़े जो रिटन पास कर लेते हैं और इंटरव्यू में पहुंचते हैं और रह जाते हैं, वजह उन्हें एक्टिंग नहीं आती. 3 मिनट का, 5 मिनट का एक इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में हम रह जाते हैं सिर्फ इसलिए हमें एक्टिंग नहीं आती. इंटरव्यू में जब आपका इतना अच्छा रिटर्न हो चुका है, और जब आपका रिटर्न होता है तो रिटर्न के बाद जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचते हैं तो उस वक्त उनके पास आपके रिटर्न के मार्क्स नहीं होते. ये भी आपको बता दूँ, ये पहली गलतफहमी जो लोगों के जहन में है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनके पास हमारे रिटर्न के मार्क्स होते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है. एक बात, ये जो बड़ी गलतफहमी है. दूसरी, हम बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाते हैं जबकि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो उस वक़्त आपकी शख्सियत का इम्तिहान हो रहा होता है, आपके इल्म का इम्तिहान पिछली स्टेज पर हो चुका था. अब जो शख्सियत का इम्तिहान होता है और टाइम भी कम है, आपका जो रिटर्न है वो 1 घंटे का हुआ, नंबर भी 100 थे, अब नंबर कितने हैं, टाइम कितना है, 3 मिनट, 4 मिनट. अब 3-4 मिनट में कौन सी चीज़ आपको सक्सेस दे सकती है? या नाना पाटेकर बन जाए, या शाहरुख खान बन जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है. आप अपने जहन में कहीं बिठाया हुआ है, कहीं गलतफहमी बैठ गई है, कोई बंदा ये सोच रहा है कि उस टाइम भी जनरल नॉलेज की ढेर सारी किताबें पढ़ के जाऊँ और सुबह भी अखबार पढ़ के जाऊँ और ये भी याद हो, डजंट मैटर, बट इट मैटर्स हाउ यू परफॉर्म. इसमें दो मेन चीज़ें बड़ी अहम हैं. एक तो आप जिस इदारे को ज्वाइन कर रहे, अब जो कॉरपोरेट सेक्टर में इंटरव्यूज होते हैं उसका तो रिटर्न भी नहीं होता, होता है? वहाँ क्या चलता होगा बताएं, वहाँ पे भी ये इंटर क्या है, या नाना पाटेकर बनना है या शाहरुख खान बनना है. आपको अच्छी एक्टिंग आती है, आपको एक्टिंग करना आ गया है, तो आप ऑटोमेटिकली इंटरव्यू में को गलत फहमी जो हमारे यहाँ पाई जाती है, बराए मेहरबानी अपने जहन से ये बात निकाल लें कि इंटरव्यू बुनियादी तौर पे आपकी शख्सियत का इम्तिहान है, ना कि आपके इलम का इम्तिहान नहीं है, आपकी शख्सियत का इम्तिहान है. और शख्सियत में ये चीज़ भी अहम है कि आप जिस इदारे को ज्वाइन करने जा रहे हैं उस इदारे के हवाले से आप कितने मुखलिस हैं या कितना जानते हैं. लिहाजा जिस इदारे को आपने ज्वाइन करना था या जिस इदारे के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था और आपका रिटर्न क्लियर होगा और आप इंटरव्यू में बैठने लगे हैं, उस इदारे की मालूमात मुकम्मल तौर पर लें, उनके रनिंग प्रोजेक्ट्स लें, वो कब से शुरू हुआ, उसने अब तक कितने माइलस्टोन अचीव किए, वो सारी की सारी मालूमात आपको मिनिमम होनी चाहिए. फिर आपका जो अपना करिकुलम विकटाया है, जो आपका अपना CV है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और आप उस हवाले से कितने वो हैं, यानी आपको अपनी शख्सियत का तो पता होना चाहिए, आपको अपनी शख्सियत का कम अज़ कम पता होना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए. और फिर उसके बाद आपने 2-3 मिनट में उनके साथ, जो इंटरव्यू लेने वाले मिनिमम 3 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, उन 3 या 5 लोगों के साथ अपनी एक्टिंग कैसे करनी, ये इम्पोर्टेंट है. और इसका जो बुनियाद है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम होता है, एक वर्बल में और एक नॉन वर्बल में. मैं जब आया, उससे पहले आपने मेरा तारुफ करवाया था इनसे, मेरा तारुफ आप लोगों से हो गया होगा एक दफ़ा हल्का फुल्का सा. जब मैं आया, आने के बाद थोड़ी देर मैंने डाइस पे ली, कुछ चीज़ें अपनी रखी, इतनी देर में आपने मेरे बारे में एक राय कायम कर ली, आपने मेरे जूते कपड़े भी देखे होंगे, शेव भी करके आया या नहीं, बाल कैसे बनाए हुए, क्या मतलब आप ना एक अंदाज़ा कायम कर रहे होंगे. वो लोग जो मुझे नहीं जानते, वो लोग जिनसे मेरा पहला इंटरेक्शन है, उन्होंने एक राय कायम की होगी. वो राय किस तरह से कायम की होगी? मेरी अपीयरेंस से. जो मेरी अपीयरेंस आपके सामने आई, उस अपीयरेंस से आपने एक राय कायम की होगी. लिहाजा जो अपीयरेंस से पहले जो आपकी राय कायम हुई, उस राय कायम होने के बाद फिर मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया. और अगर मेरी परफॉर्मेंस ठीक है तो वो राय मुस्तहकम हो गई, और अगर राय खराब हुई है और मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है तो वो मतलब अब जब आपने पहला अपना व्यू देना है नॉन वर्बल में,
तो आपने पहला इंटरेक्शन नॉन वर्बल में देना है, आपने बोले नहीं हैं लेकिन आपके बारे में एक राय कायम हुई है। जब भी आप किसी से मिलते हैं आप उसकी शख्सियत को देखते हैं, ये पहला इंटरेक्शन होता है किसी की शख्सियत को जानने का। फिर उसके बाद जब बंदा बोलता है तो फिर आप जान पाते हैं कि ये क्या है। अब ये दो हिस्से हैं इंटरव्यू के, पहला हिस्सा है नॉन वर्बल जिसपे आपने मेहनत करनी है, दूसरा हिस्सा है वर्बल जिसमें आपने एक्टिंग करनी है। अब नॉन वर्बल में सबसे पहला आपका जो पहला ही बुनियादी चीज है वो ये है कि आपकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग टिप क्या है, कैसे ड्रेसिंग करनी है, इसमें अगर आप फेसबुक पे हामिद सईद साहब को लाइक कर लें, हामिद सईद वार्डरोब कंसल्टेंट हैं, या सिंपल आप हामिद सईद लिखें HAMIDSAEED हामिद सईद, ड्रेसिंग टिप्स वो अपने पेज पे शेयर करते रहते हैं ख़वातीन के लिए भी और मर्द हज़रात के लिए भी। तो नहीं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी उनका चैनल है, आप वहाँ से भी उनकी देख सकते हैं। तो बेहतरीन किस्म की जो आपको मिलेगी मालूमात आपको वहाँ से मिल सकती है। जो मोटा सा फार्मूला है वो मैं आपको बता दूँ कि आपका बेल्ट और आपके शूज़ का कलर एक होना चाहिए, बेल्ट और शूज़ का कलर एक होना चाहिए, एक फार्मूला ये जहन में रखें। आपको अपने जब भी बेल्ट लेने हैं या शूज़ लेने हैं इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि मेरा बेल्ट और मेरा शूज़ जो है ना वो मैच करते हैं। नंबर टू, आपकी पैंट और आपकी सॉक्स का कलर मैच करना चाहिए, ये दूसरी टिप है। पहली टिप क्या थी, बेल्ट और शूज़ एक जैसे होने चाहिए। सेकंड क्या है, ट्राउज़र और सॉक्स मैच करनी चाहिए, जो पैंट आप पहन रहे हैं वो और आपकी जो सॉक्स है उसका कलर एक होना चाहिए, ये है। नंबर थ्री, जो आप टू पीस पहनते हैं या आप शर्ट पहनते हैं, कोशिश करें आप प्लेन पहने, प्लेन कलर्स पहने, और वाइट स्काई ब्लू ये प्रेफरेंस कलर है। कुछ मैं आपको लाइट और डार्क शेड्स में दिखाऊंगा कि लाइट शेड्स में अगर आपने पहनना हो तो कैसे पहने। इशा साहब का ड्रेस देखें एक, अगर वो भी हो जाओ, अब शेड नजर आ रहा है ग्रे वाइट ब्लैक टाई, एक बेहतरीन किस्म का ड्रेस। हारून इकराम साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी ड्रेसिंग आप देखें डार्क शेड में, ये अपोजिट शेड है इस शेड के, वाइट को आप प्रेफरेंस दें। और अगर आप पहनते हैं शलवार कमीज और आप ऊपर वेस्ट कोट पहनते हैं तो वेस्ट कोट में भी एक वेस्ट कोट वो आते हैं जिनका बैन कलर होता है, एक वी शेप में आते हैं और एक इधर कट में आते हैं। लेडीज इधर भी आऊँगा, परेशान मत होइए, नेक्स्ट सेगमेंट इसके साथ आप भी। तो आपका जो वेस्ट कोट है जो बेहतरीन है वो तो यही है कि वो बैन कलर वाला हो और उसमें से कलर बाहर ना निकले। कुछ लोग कलर के नीचे कर लेते हैं, लोग कलर से बाहर ना निकले एक, और दूसरा उसका जो नीचे वाला, कोई बंदा टू पीस में आया वेस्टर्न पहन, जिसने टू पीस पहना हुआ हो तो बैठा हुआ हमारी टू नहीं, अच्छा तो वेस्ट कोट का नीचे वाला बटन खोल रही, और टू पीस में भी ये जो दो बटन है निचला खुला हुआ ऊपर वाला बंद है। जब आपने चेयर पर बैठना है, ये आपकी चेयर है, आप इंटरव्यू के लिए जब आए रूम में, जब भी आपने चेयर पर बैठना है तो उसका एक बड़ा मुनासिब तरीका है, जी आप बैठें, बैठते साथ ही आपका हाथ इधर चला जाए और आपको वो जो बटन बंद था, दो बटन होंगे, नीचे वाला खुला होगा ऊपर वाला बंद होगा। अगर आपने वेस्ट कोट पहना हुआ तो नीचे वाला राउंड द क्लॉक खुला रखें। तो आपने इस बटन को खोलना, खोलने के बाद आपने ये बैठ गए, बैठने के बाद क्या करना है आपने, ये आप बैठ गए, आपकी कमर आपकी चेयर की बैक पर लगनी चाहिए, आपके दोनों बाजू इस आर्म को इसके ऊपर आ जाए, उसके बाद आपके हाथ यहाँ आ जाए, और ये जो हाथ आपके यूं आते हैं ये उंगलियों में उंगलियां डाल लें आप, तब भी आप इसको हाथ को यूं पकड़ लें तब भी, यानी ये देखें आप यूं कर लेते हैं दैट्स फाइन, यूं पकड़ लेते हैं दैट्स फाइन, दोनों बाजू इसके ऊपर आ जाएंगे, ये जो आपकी आर्म्स हैं चेयर के, और आप फुल फ्लेज पीछे बैठेंगे, आपकी कमर जो है वो पिछली कुर्सी के साथ लगी और क्रॉस लेग होंगे। दिस इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल वे, ये कॉन्फिडेंस में भी शो करता है और कम्फर्ट में भी, यानी दोनों चीज़ें मिलती हैं आपको, कंफर्ट भी मिलता है आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है। आपकी कमर फुल फ्लेज पीछे लगी हुई है चेयर के साथ है फुल, और ये दोनों बाजू चेयर्स के बाजू के ऊपर है, और सम टाइम आपको एक ऐसी चेयर मिलती है उसके अगर बाजू नहीं है और वो टेबल के साथ है तो अपने दोनों हाथ अपने टेबल के ऊपर यूं रख सकते हैं लाइक दिस। आपके सामने अगर जो चेयर आपको दी गई उसके बाजू नहीं थे और आप टेबल के नियर रहते तो आप टेबल के ऊपर भी यूं करके बैठ सकते हैं, लेकिन ये जो तरीकाकार है यूं, ये आपके कॉन्फिडेंस को शेक नहीं होने देता और आपका कंफर्ट बढ़ा देता है। शूज़ हमेशा याद रखें, आपने जो भी पहनने हैं
उसमें से पाँव नज़र नहीं आना चाहिए। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा ऐसा शूज़ खरीदें जिसमें से पाँव नज़र ना आए। आपकी प्रोफेशनल मीटिंग्स, प्रोफेशनल गैदरिंग्स में जब भी आपने उठना बैठना जाना मिलना हो तो उसमें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ऐसा शूज़ पहने जिसमें से पाँव नज़र ना आए, यानी बंद शूज़ होना चाहिए आपका। बाज़ुकात हम कुछ सैंडल टाइप चीज़ें पहन लेते हैं तो वो एक प्रोफेशनल लुक जनरेट नहीं करती आपके हवाले से। शर्ट एक आध दो आपकी लाजमी वाइट कलर की होनी चाहिए, जो कि आपको इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कलर्स की टाइज भी सूट कर जाती हैं और हर तरह के पैंट कोट में भी ये चल जाती है। घड़ी, चेन या प्लास्टिक मैंने जिस तरह पहनी हुई है इस तरह की घड़ी ज़्यादा प्रेफरेंट है, क्योंकि चेन वाली या जो जिस पर कम्फर्टेबल है, लेकिन उसके डायल शोखे ना हो। बाज़ुकात हम घड़ियाँ इस तरह की अवेलेबल हैं, हम पहनते भी हैं, कोशिश करें शोखे डायल्स वाली ना हो, सोबर किस्म की लुक वाली हो। टाइयाँ चार कलर आपके सामने प्रेफरेबल पावरफुल टाइज हैं, इनमें से जो भी आपको अवेलेबल हो आप ले लें। अगर लाहौर में आप पैनोरामा सेंटर में चले जाएँ, नीचे 300 की 250 की अच्छी टाई मिल जाती है वहाँ पे, मतलब दो चार अच्छी शॉप्स हैं 500 तक। किसी ब्रांड से लेंगे तो आप फिर जितना मर्जी गुड डाल लें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन टाई में देख लें कोई भी फूलों वाली नहीं है, कोई भी बड़े डॉट्स वाली नहीं है, बड़ी सिंपल और सोबर टाइज है। ये एक बेहतरीन लुक है। और ये जो आपकी टाई है, ये टाई जो है इस बेल्ट की नो तक आती है, ठीक है। उसके बाद ये जो सीम है आपकी, ये सीम और ये जो जिप वाली सीम है, ये एक ही होनी चाहिए, समझ आ रही है। जब भी आप पहने ये, और इसमें मैं मेल के लिए एक मशवरा ये है कि जब आप नीचे वेस्ट पहनते हैं बनियान, उसको अंडरवेयर के अंदर कर दिया करें, अंडरवेयर के अंदर कर दें। उसका आपको एडवांटेज क्या होता है, जब आप शर्ट पहनेंगे उसके बाद एक दफ़ा आप सेट कर लें, आपके 6 घंटे उसी तरह गुजर जाएंगे, आपकी शर्ट अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। जब आपकी बनियान लूज़ होती है अंदर, उसके ऊपर शर्ट होती है, आपकी हर मूवमेंट के बाद, मैंने जब से आया हूँ जिधर मेरी शर्ट है वहीं है, ये शर्ट पर अपनी जगह नहीं छोड़ती। शूज़ किस तरह के लेने हैं, ये नहीं लेने शूज़, शूज़ हमेशा ऑक्सफोर्ड शेप, ऑक्सफोर्ड शेप समझ आ रही है, ऑक्सफोर्ड शेप आपने रखी है जो आगे से इस तरह से। ये आपकी नॉन वर्बल में कि जो जिन चीज़ों ने बोलना नहीं है, लेकिन वो मतलब आपने नहीं बोलना, आपने कहा, वो पहनावा खुद ब खुद इजहार करेगा कि ये बंदा किस टाइप का है, टाई शर्ट और ये सारी चीज़ इस तरह से। खुशी ड्रेसिंग देखिए आप, इसकी लुक देखिए, मतलब जो मेहंदी के लिए जोड़ा बनवाया है, जो माइयों के लिए जोड़ा बनवाया है, जो वलीमे के लिए जोड़ा बनाया है, जो बरात के लिए जोड़ा बनाया है, चाहे अपना चाहे बहन की शादी या कजन की शादी, वो नहीं पहन के आना, क्लियर है। ये आप लोगों के लिए एक लुक, ये है एक लुक आपको पहले दे दी, ये लुक देख लें वेस्टर्न भी और ईस्टर्न भी, क्लियर है। बढ़ू आगे, ट्रेनर और टीचर की लुक देख लें, वेस्टर्न भी और ईस्टर्न भी, आगे बढ़े। फूलदार नहीं पहनना आपने प्रोफेशनल लाइफ में, इंटरव्यूज के लिए फूलदार मना है आपके लिए। शेड देख लें, जिस पे क्रॉस लगा हुआ वो नहीं पहनने, बाकी सारे आप पहन सकते हैं। दिस इज फॉर लेडीज, आप लोगों के लिए नहीं है, आप परेशान मत हो, इजी रहे इजी रहे, क्लियर। चलो ये भी देख लो। अच्छा, इंटरव्यू जो है ना, वो बाज़ औक़ात आपको सवालों का पता होता है और बाज़ औक़ात आपको जवाबों का पता होता है, इन दोनों से बात नहीं बनती। एक बंदा इंटरव्यू देने गया, दाखिल हुआ, और उसके इंटरव्यू में उससे जो पहला सवाल तो ये था, उन्होंने ये उसको एक वो दे दी, एक स्टडी केस स्टडी दे दी कि अगर आप एक ट्रेन के डब्बे में हैं, सफ़र कर रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तब क्या करेंगे। उसने कहा जी मैं अपना जैकेट उतार दूंगा। उसने कहा जी और गर्मी लगती है। उसने कहा जी मैं अपनी शर्ट उतार दूंगा। उसने कहा अगर मज़ीद गर्मी लगती है तो उसके मैं अगर विंडो खोल दूंगा। उसने कहा जी अगर मज़ीद गर्मी लगेगी तो कहता है मैं फिर दरवाज़ा भी खोल दूंगा। उसने कहा जी आपने विंडो भी खोल दी, दरवाज़ा भी खोल दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो हवा है आपकी ट्रेन मशरक से मगरब जा रही है और मगरब से हवा आ रही है, और हवा की जो स्पीड है वो 1.5 नॉटिकल माइल है, और जो पूरा वो डब्बा है वो 80 स्क्वायर मीटर्स का है, तो मुझे बताओ कितनी देर में वो ठंडा हो जाएगा।
बंदा परेशान हो गया, वो बाहर आ गया। अब उसने अपने साथी को बताया कि ये उसका सवाल था, मेरे साथ उसने ये किया। अब वो उसका साथी जब अंदर इंटरव्यू के लिए गया, उसके साथ भी यही हुआ कि जी अगर आप ट्रेन के डब्बे में जा रहे हैं तो आपको गर्मी लगेगी तो क्या करें। पहले पे कहा कि जी मैं जैकेट उतार दूंगा, सेकंड पे उसने कहा जी शर्ट उतार दूँगा। उसने कहा फिर, कहता है बस फिर कहता नहीं फिर। उसने बड़ा जोर लगाया इंटरव्यू में, उसने कहा सर जो मर्जी हो जाए ना, मैंने विंडो नहीं खोलनी। मतलब एक तरीकाकार तो ये है कि आपको सवाल का पता था। अब एक इंटरव्यू वो होता है जिसमें आपको जवाब का पता होता है। कैसे? बंदा इंटरव्यू में के लिए गया तो उससे पहला सवाल यही कि जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बैठ के ये बताएं कि जी पाकिस्तान कब बना। तो उसने कहा जी बड़ा अरसा हुआ, माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई, बड़ी परेशानियाँ मुसीबतें, और उसके बाद बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को तकलीफें काटने के बाद। उसने कहा ठीक है, ये बताओ पाकिस्तान का सदर कौन है। उसने कहा जी हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम में हर 5 साल बाद तब्दीली आती है, आज का डॉक्टर आरिफ अलवी। उसने कहा वेरी गुड, अब ये बताओ कि दुनिया गोल है ये चकोर है। उसने कहा जी साइंसदान बड़े अरसे से तहकीक में लगे हुए और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। अब ये उसका हो गया। जब वो बाहर आया, अब फिर साथी पूछते हैं कि भाई बताओ क्या हुआ, तो उसने अपने जवाब बता दिए। उसने कहा जी सवाल छोड़ो, पहले का ये जवाब है, दूसरे का ये, तीसरे का जवाब उसने शिफ्ट कर दिए। अब वो जब वो बंदा गया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, बैठ गया, ये बताओ तुम कब पैदा हुए। जी बड़ा अरसा हुआ और ये और वो और वो और बिला। अब दूसरा सवाल उस पर आ गया कि जी तुम्हारा बाप कौन है। उसने कहा हमारे यहाँ तो जमहूरी निज़ाम है, हर 5 साल बाद तब्दीली हो, आज के डॉक्टर आ रही है। अब उसको गुस्सा आ गया, तो कहता भाई ये बताओ कि तुम पागल हो कि मैं पागल हूँ। कहता जनाब बड़े अरसे से साइंसदान तहकीक में लगे हुए हैं, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको सवाल आते हैं या जवाब आते हैं, दोनों सूरतों में आपको एक्टिंग आनी चाहिए। आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका ड्रेस गेटअप है वो आपका ठीक होना चाहिए। आपके जहन में ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मुझे यही आना चाहिए, इस ऐसी किसी गलत फहमी की जरूरत नहीं। मुझे अपना एक इंटरव्यू बड़ा अच्छा याद है कि देर वर 7 मेंबर्स जो इंटरव्यू ले रहे थे और उनके कंजक्टिव 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, बट आई वॉज रिकमेंडेड फॉर दैट। 8 कंजक्टिव सवाल थे और आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2001 और 2, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि 7 बंदे थे जिन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया पैनल में, और मुझे उनके 8 कंजक्टिव सवालों के जवाब नहीं आए, बट मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे कॉन्फिडेंस ने मुझे रिकमेंड करवा दिया। उन्होंने किसी एक बात पे भी मुझे वो नहीं किया। तो लिहाजा अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आपका अपेयरेंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके ठीक है, और उसके बाद आपको बैठने का मैंने तरीका बता दिया कि आपने बैठना कैसे, फिर उसके बाद एक और गलती होती है, 30 सेकेंड का एक रूल होता है जो हम भूल जाते हैं। हम बात शुरू करते हैं तमहीद से। मुझसे एक सवाल किया गया, जैसे अभी मैंने आपको इंटरव्यू में भी बताया, उसने कहा जी पाकिस्तान कब बना, तो माओ बहनों और ये और हम लंबा के साथ नो 14 अगस्त 1947, दिस इज़ दी 30 सेकेंड रूल। आप टू दी पॉइंट उतना ही बताएं। एक दूसरी बात, जब 3 से 5 मेंबर आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हम क्या गलती करते हैं, एक बंदे ने सवाल पूछा इस कॉर्नर से, आप इसको जवाब दे रहे थे, मीन वाइल यहाँ से एक सवाल आ गया, आप लाइक मैं ये बैठा हुआ देखिएगा, अब मुझे सवाल पहला आया था इधर से तो मेरी बॉडी ये हो, इनका मैंने जवाब दिया ही दे ही रहा था तो सवाल यहाँ से आ गया, तो मैंने क्या किया अपने जेस्चर को फौरन इधर ले आया, वो मैंने वहीं बात छोड़ दी, मैं इनकी बात सुनना शुरू हो गया बजाय इसके कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ। और ये किस्सा कब होता है हमारे साथ, ज़्यादातर उस वक्त होता है जब हम तमहीद बांधने के आदी होते हैं, जब हम फजूल किस्म की एक हिस्ट्री साथ अटैच कर देते हैं अपनी गुफ्तगू के, तो उस बंदे वो बंदा थक जाता है इतने में, तभी हमारी बात के दरमियान में से नया सवाल जुड़ जाता है। अब मैं इनको जवाब दे ही रहा था तो वहाँ से एक नया सवाल उठ गया। अब जब उधर से सवाल उठा तो मैंने क्या किया कि इस बात को यहीं ड्रॉप करना है जो मेरा राइट बन, फौरन मेरा बॉडी जेस्चर इस तरफ चला जाए और मैं उनकी बात सुनूं। और अगर आपको सवाल की समझ नहीं आई, बराए मेहरबानी बोले एक्सक्यूज़ मी सर, सॉरी सर मुझे समझ नहीं आई सर, क्या आप अपना सवाल रिपीट करेंगे, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपना सवाल समझना ज़रूरी है। फिर हमें एक तुक्के मारने की आदत है, इससे भी अवॉइड करें, आपको नहीं पता नहीं आता डजेंट मैटर, बट इट मैटर्स कि अगर आपने गलत बता दिया तो ये मैटर कर जाएगा। यानी इंटरव्यू में आपने नॉन वर्बल अपने आप को तैयार करना है, ड्रेसिंग के हवाले से बोलना उस वक्त है जब वो कहेंगे, फिर हमने अपना एक ना शॉर्ट इंट्रो अपना बना लें, आप अपना इंट्रोडक्शन क्लियर कर लें, एक सवाल 2-3 शेप्स में आता है, व्हाट अबाउट यू, डिफाइन योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ,
اس کا جو جواب ہے اس جواب کے لیے آپ کو پہلے سے اپنی لائنیں کلیئر کر لینی چاہیے، اور وہ لائنیں اس طرح سے ہوں کہ کوئی اور بندہ جو سن رہا ہو وہ اس کو ڈسکرائب کر سکے. انہوں نے کہا، پوری کلاس نے سنا، اور ہمارے ہی ایک ساتھی دوبارہ آئے، انہوں نے آ کے اس کو ڈسکرائب کرنا تھا، اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ مجھے یہ کہنا ہے، ایسا ہی ہے، بلکہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ جی انہوں نے کرنا. لیکن اصل خوبی یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا تھا وہ آپ بھی بتا سکیں یا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. لہٰذا اپنے انٹروڈکشن کو کلیئر کریں، اپنے پاس لکھیں، بنائیں اس کو، جملے سیدھے کر لیں تاکہ آپ کو انٹروڈکشن کلیئر ہو. کسی کو بتانا پڑے تو کلیئر ہو کہ جی آپ کون ہیں.